न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जिसका डर था आखिर वही बात हो गई। आखिरकार कोरोना का दंश स्कूली बच्चों तक पहुंच ही गया। रेवाड़ी जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला की कुंड मंडी में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक साथ 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। यह रिपोर्ट आज ही आई है। एक साथ इतने बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को 3 दिनों तक बंद रखने और सैनिटाइज कराने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 1 नवंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला गया है। इन कक्षाओं में विद्यार्थी स्कूल में परामर्श के लिए आ सकते हैं। कुंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 42 बच्चे परामर्श के लिए पहुंच रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन बच्चों का 11 नवंबर को सैंपल भी लिया गया था, लेकिन आज जब 19 बच्चों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए। सभी 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से उपायुक्त यशेंद्र सिंह को दी गई। उपायुक्त ने भी जिला शिक्षा अधिकारी से बात कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिनों तक स्कूल बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। यहां खास बात यह है कि अन्य बच्चों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। संक्रमण के खतरे से इन बच्चों का भी बचना मुश्किल माना जा रहा है। इसे लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूल को अच्छे से सैनिटाइज कराने के बाद ही खोला जाएगा। जो विद्यार्थी इन बच्चों के संपर्क में आए हैं और उनका सैंपल नहीं लिया जा सका है, उनकी भी जांच कराई जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, ये बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, 19 बच्चे, क्या पूरा? हमारे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुंड खंड खोल में 19 बच्चे हैं, वो पॉजिटिव मिले हैं। जैसे हमें सूचना मिली तो हमने स्कूल के प्राचार्य को निर्देश जारी कर दिए, विद्यालय के सभी बच्चों की जो इनके संपर्क में आए हैं, कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनकी सबकी आप जांच करवाएं, नियर बाई PHC को रिपोर्ट करें। और हमने CMO को भी लेटर लिख दिया है, अगर भी आप सभी PHC को निर्देश दें कि भाई इस प्रकार स्कूल से कोई भी सूचना आती है तो अपने जो डॉक्टरों की टीम है उनको भेज करके बच्चों का टेस्ट करवाया जाए। और हमने ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन स्कूल में बच्चे पॉजिटिव मिलते हैं तो उन 3 दिन के लिए उस स्कूल को ऑफ कर दिया जाए, और जो बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको SOP की गाइडलाइन के अनुसार और प्रोटोकॉल के अनुसार जब वो नेगेटिव आ जाएं और उसके बाद ही उनको स्कूल में आने की इजाज़त दी जाए, और बाकी 3 दिन के बाद उन बच्चों को। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? बच्चे 9वीं से 12वीं के हैं, कुछ बच्चे 9th के हैं, कुछ 10th के हैं, तो इस करके 2-3 क्लासों के जो भी बच्चे कॉन्टैक्ट में आए वो आपस में। अच्छा, टेस्टिंग रिपोर्ट भी सरकारी स्कूलों में मिली है या प्राइवेट स्कूलों में मिली है? हमें सभी स्कूलों के, हमारे लिए सभी स्कूल बराबर हैं, क्योंकि ये एक महामारी है और महामारी में प्राइवेट और सरकारी को मानकर नहीं चलते, क्योंकि सभी बच्चों की जिम्मेवारी भी है और ये प्राथमिकता भी है कि कोई बच्चा इस प्रकार स्कूल में आने की वजह से वो पॉजिटिव ना। देखा गया जिले में मतलब छोटे बच्चे स्कूल भी खुले हुए हैं, छोटे बच्चे भी जा रहे हैं स्कूलों के लिए? नहीं, छोटे बच्चों के लिए हरियाणा सरकार ने कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, और 1 से 8 तक स्कूल पूर्ण रूप से बच्चों के वास्ते बंद हैं। टीचर स्कूल में आ रहे हैं, केवल 9वीं से 12वीं तक की क्लासें, वो भी SOP जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो COVID-19 को ध्यान में रखते हुए SOP जारी की गई है उनकी सख्ती से पालना करने के बारे में निर्देश जारी किए हुए हैं, उनकी पालना की है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय समय समय पर गवर्नमेंट भी और प्राइवेट दोनों स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और पूर्ण रूप से COVID-19 की जो SOP है, जो गाइडलाइंस हैं, उनकी पालना कर रहे हैं, और जहाँ पर भी हमें कोई चूक मिलती है तो वहाँ निर्देश जारी किए जाते हैं। अब उनको उन स्कूलों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी जो छोटे बच्चों को बुला रहे हैं स्कूलों में? सख्त से सख्त जो भी नियम है उनके अनुसार उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विभाग को लिख दिया जाएगा, उनकी मान्यता से संबंधित जो भी सूचना होगी वो।